हाई एवरी वन, होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू योर कॉमेंट्स ऑन द लेटेस्ट वीडियोज एंड मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ कि देर इज अ नीड टू शेयर एक डेली रूटीन दैट यू कैन फॉलो, बिकॉज इवन दो मेरी प्रिपरेशन डेज में मोटिवेशन की कमी रहती थी इस टाइम पे, बट मुझे कभी भी कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मैंने अपने लिए एक ऐसा रूटीन बनाया था ऑगस्ट और सेप्टेम्बर मंथ्स के लिए जो मैंने बहुत डिलीजेंटली फॉलो किया। सो आई एम गोना शेयर हाउ माई वीक यूज टू लुक लाइक। एक वीक मंडे से स्टार्ट होके संडे तक कैसी दिखाई देती थी, एंड देन आई विल ऑल्सो श्योर कि एक डे कैसा दिखाई देता था ऑन एन एवरेज। सो यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ आई प्रिपेयर्ड, एंड एट द सेम टाइम आई अंडरस्टैंड कि यू माइट बी अ वर्किंग प्रोफेशनल एंड आई वॉज अ कॉलेज स्टूडेंट, तो फील फ्री टू ट्वीक इट बेसिस योर रिक्वायरमेंट, बट आई एम प्रिटी श्योर कि इससे आपको एटलीस्ट ये आइडिया लग जाएगा कि आपके ये दो मंथ्स कैसे दिखने चाहिए। सो अभी मैं आपको स्क्रीन पे एक वीक डिस्प्ले कर रही हूँ। ऑन एन एवरेज यू विल सी कि ऐसा मेरा वीक दिखाई देता था इन मंथ्स में। अब यहां मंडे ट्यूसडे के नीचे लिखा हुआ है वर्क डेज, वेंसडे के नीचे लिखा हुआ है रिफ्रेश, थर्सडे फ्राइडे के नीचे अगेन लिखा हुआ है वर्क डेज, एंड सैटरडे संडे के नीचे लिखा हुआ है मॉक एंड एनालिसिस। इसका मतलब मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूंगी, बट दिस इज हाउ बेसिकली अ वीक यूज टू लुक लाइक फॉर मी। अब हम इस वीक को मंडे से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम इसको सैटरडे संडे से स्टार्ट करेंगे, और उसका रीजन मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इस समय जो काम आपको करना है वो है अपने वीकर कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करना, और उसके लिए द फर्स्ट स्टेप इज अ मॉक एनालिसिस। सैटरडे को मैं सबसे पहले अपनी फॉर्मूला बुक को रिवाइज करती थी। दिस वॉज लाइक एवरी वीकेंड का रिचुअल फॉर मी कि मुझे रिविजन तो हर वीकेंड करनी ही करनी है, और वो मैं मॉक लेने से पहले करती थी। सो सैटरडे के फर्स्ट हाफ में रिविजन एंड सेकेंड हाफ में जनरली मॉक टेकिंग होती थी, या तो मैं आफ्टरनून स्लॉट या इवनिंग स्लॉट, दोनों में से एक स्लॉट में मॉक लेती थी, एंड उस मॉक का एनालिसिस मैं संडे को करती थी। संडे को मॉक एनालिसिस करने के बाद मुझे ये आइडेंटिफाई हो जाता था कि मेरा कौन सा सेक्शन और कौन सा टॉपिक इस बार वीकर है। सो मंडे ट्यूजडे को शुरू हो जाता था ये पूरा प्रोग्राम ऑफ वर्किंग ऑन द वीकर टॉपिक्स। तो जैसे मान लो अगर मैंने सैटरडे संडे के मॉक एनालिसिस के बाद एनालाइज कर लिया कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे नहीं आता, तो मैं मंडे ट्यूजडे ऑलमोस्ट 1.5 days लगाती थी उस टॉपिक को स्ट्रेंथन करने के लिए, जिसके लिए यूट्यूब वीडियोज देखना, जिसके लिए बुक्स या फिर के मटीरियल में से क्वेश्चन सॉल्व करना, ये सब कुछ होता था। और फिर ट्यूजडे के सेकेंड हाफ में आई यूज टू स्पेंड टाइम ऑन टेस्टिंग माई सेल्फ, क्योंकि जो मैंने मेहनत की उसका क्या रिजल्ट है। अब उसके लिए जो रिसोर्सेज यूज होते थे उसमें एक तो है टॉपिक टेस्ट, उसके अलावा आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो कोई भी क्वेश्चंस रैंडमली, और पास्ट ईयर पेपर्स। अब पास्ट ईयर पेपर्स के लिए आई हैव अ वेरी गुड रिसोर्स हियर, बिकॉज मेरे टाइम पे क्या होता था, आई यूज टू लुक फॉर द पास्ट ईयर पेपर्स, एंड मान लो मैंने 2015 का पेपर उठा लिया, देन आई यूज टू लुक फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस इन देयर, कि अच्छा उसके क्वेश्चंस कौन से आए थे। बट इट वॉज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बिकॉज मुझे पूरे के पूरे पेपर को स्कैन करना पड़ता था। इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व किया गया है इन अ बुक बाय ओसवाल बुक्स। सो उन्होंने मुझे रिसेंटली ये बुक भेजी थी रिव्यू करने के लिए। इस बुक में लास्ट 24 इयर्स के पेपर्स हैं, बट इट्स नॉट लाइक कि उन्होंने 24 साल के पेपर एज इट इज दे दिए हैं। व्हाट दे हैव डन इज दे हैव सेग्रीगेटेड द क्वेश्चंस टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज। तो मान लो अगर मुझे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के पिछले 24 साल के क्वेश्चंस देखने हैं, तो दे हैव गिवन इट एज अ चैप्टर, और उसके अंडर वो सारे ईयर वाइज क्वेश्चंस कि कौन से ईयर में इसका कौन सा क्वेश्चन आया था। सेम वे इन्होंने आरसीईज के लिए भी यही चीज यूज की है। तो जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, उसमें इन्होंने टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया कि ओके फिलोसफी में कौन से साल में कौन सा पेपर आया था, सिमिलरली साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कौन से ईयर में कौन सा पेपर आया था, एंड इवन देयर एक्सप्लेनेशन फॉर द आरसीईज इज वेरी गुड। सो आई फील लाइक दिस इज अ वंडरफुल रिसोर्स एज अ वन स्टॉप शॉप। अगर किसी को सारे के सारे क्वेश्चंस फ्रॉम अ चैप्टर एक ही जगह पे चाहिए, देन आई वुड हाईली रिकमेंड दिस बुक। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिंड कॉमेंट में मिल जाएगा। अब एक बार आप अपने वीकर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वर्क कर लेते थे मंडे ट्यूसडे को, और टेस्ट भी कर लेते थे, उसके बाद क्योंकि आपने 2 दिन मेहनत की होती है, यू नीड अ ब्रेक, विच इज वाई द वेंसडे डे इज कॉल्ड अ रिफ्रेश डे। तो उस दिन मैं बहुत ज्यादा हैवी काम नहीं करती थी, उस दिन बहुत लाइट एक्सरसाइजेस होती थी। फॉर एग्जाम्पल रीडिंग स्पीड इंप्रूव करना, फॉर एग्जाम्पल मुझे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगते थे, सो आई यूज टू सॉल्व नॉन कैट क्वेश्चंस जो कि बाइनरी लॉजिक या फिर के डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशंस, ये सब क्वेश्चंस इन जनरल कैट में नहीं आते हैं, बट आपका ब्रेन शार्पन करते हैं, सो आई यूज टू सॉल्व देम ऑन दिस पर्टिकुलर डे। उसके अलावा दिस डे ऑल्सो यूज टू बी अ स्टेपनी फॉर मी। सो फॉर एग्जाम्पल मान लो जो वीकर एरिया था टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, उस पर 1.5 days कम पड़े, आई नीड टू वर्क मोर ऑन इट, तो मैं मंडे ट्यूजडे पूरा दिन लगा देती थी और वेंसडे को टेस्ट कर लेती थी। सो दैट यूज टू एक्ट लाइक अ बफर फॉर मी, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की होती है 2 दिन, यू नीड
नीड अ ब्रेक, अदरवाइज आप वापस रिजुविनेटेड फील नहीं करोगे फॉर द कमिंग डेज. उसके बाद थर्सडे फ्राइडे स्टार्ट हो जाते हैं विच आर अगेन लेबल्ड एज वर्क डेज. अब थर्सडे फ्राइडे में दो सिनेरियो पॉसिबल है, या तो आपने मंडे ट्यूजडे जिस भी टॉपिक पे वर्क किया उसका रिजल्ट पॉजिटिव निकला, यानी कि आपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे वर्क किया, उसके बाद आपने टॉपिक टेस्ट लिया या पास्ट ईयर पेपर सॉल्व किया और आपसे सॉल्व हो गए, विच मीन्स कि आपका काम खत्म. लेकिन अगर वो नहीं हुए, इफ यू फील लाइक दोबारा करने की जरूरत है, देन आपको थर्सडे फ्राइडे के एक्स्ट्रा डेज मिलते हैं उसके ऊपर वर्क करने के लिए. और अगर आपसे मंडे और ट्यूजडे में वो काम हो गया, देन आप थर्सडे फ्राइडे को एक एक्स्ट्रा टॉपिक को यूज कर सकते हो. तो सैटरडे संडे में आपने जो भी मॉक एनालिसिस किया होगा उसमें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बाद जो भी नेक्स्ट वीक का एरिया है उसको आप पिक कर सकते हो. तो इस तरह से एक वीक के अंदर आपके पास दो स्लॉट्स पॉसिबल होते हैं इस एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए. उसके बाद से वापस से सेम वीक स्टार्ट हो जाती है जहां आप सैटरडे को रिविजन करते हो और मॉक लेते हो और संडे को एनालिसिस करते हो. लिटरली दिस यूज टू बी माई एंटायर स्केड्यूल इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट. सेप्टेम्बर में भी बहुत ही सिमिलर वीक था, सिर्फ एक मेजर चेंज था कि सेप्टेम्बर में आई स्टार्टेड टेकिंग टू मॉक्स अ वीक रादर देन वन मॉक अ वीक. उसमें सिर्फ ये रिप्लेसमेंट होता था कि वेंसडे का डे आई यूज टू टेक अ मॉक अलॉन्ग विद सैटरडे का डे व्हेन आई यूज टू टेक अ मॉक. बाकी का सारा रिचुअल एग्जैक्टली सेम होता था. अब ये तो हो गया एक वीकली रूटीन. अब मैं आपको अपना एक डे बता देती हूँ कि एक डे में ऑन एन एवरेज मैं क्या करती थी. सो मेरा डे इन जनरल स्टार्ट होता था विद प्लानिंग. मेरे डे के स्टार्ट में मेरे को ऑलरेडी पता होता था कि आज का दिन मेरा कैसा दिखने वाला है. कभी कभी मैं सोने से पहले वो एक्सरसाइज कर लेती थी, या फिर कि मैं उठते ही सबसे पहला काम ये करती थी कि उस दिन का प्लान बनाती थी कि आज मुझे एग्जैक्टली क्या करना है. क्योंकि मैं एक कॉलेज स्टूडेंट थी तो मेरा फर्स्ट हाफ ऑफ द डे तो जनरली कॉलेज अटेंड करने में ही जाता था. बट आई ट्राइड मेकिंग श्योर कि मैं ज़्यादा क्लासेज अटेंड ना करूँ इस टाइम पे, खास करके क्योंकि इस टाइम पर मेरा फिफ्थ सेमेस्टर चल रहा था, विच मेंट कि आई आइडली डिडंट हैव टू स्टडी अलॉट. कैट में आपके जनरली फोर्थ सेमेस्टर तक के मार्क्स ही काउंट हो जाते हैं. सो मेरे लिए फिफ्थ सेमेस्टर वॉजंट दैट इंपॉर्टेंट. आई यूज टू स्किप क्लासेस, समटाइम्स आई इवन यूज टू टेक एन ऑफ फ्रॉम कॉलेज अगर मुझे लगता था कि आज मुझे मॉक लेना है या फिर कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है. सो आई हैड माई प्रायोरिटीज़ वेरी क्लियर कि आज के दिन तो मुझे इस टॉपिक को कवर करना ही करना. ऑल्दो बहुत टाइम हो गया है, मुझे शायद एग्जैक्टली याद भी नहीं होगा कि मैं कितने घंटे इस टाइम पे बैठती थी, बट मुझे जहाँ तक याद है ऑन एन एवरेज 4 to 5 hours पर डे आई यूज टू स्पेंड इन दिस पर्टिकुलर ड्यूरेशन, चाहे फिर वो कॉलेज से आने के बाद है या फिर के कॉलेज के साथ साथ है. वॉट आई यूज टू डू वॉज इस टाइम पर इन अ रो बैठने की बजाय, यानी कि 4-5 घंटे लगातार बैठने की बजाय, आई यूज टू डू थिंग्स इन बैचेस. जैसे मान लो आई डिसाइडेड कि एक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का टॉपिक है, उसके ऊपर मुझे यूट्यूब वीडियोज देखनी है, एंड आई नो कि उसके जो कॉन्सेप्ट या लेक्चर्स हैं वो टोटल ही 3 घंटे का काम है उन पूरी क्लासेस को देखना. सो देन आई यूज टू बाइफोकेटेड कि ओके ग्रेट, 1 hour का सेशन एक साथ बैठ के देखना है, नोट्स लेने हैं, देन ब्रेक लेनी है, देन 1 घंटा, देन ब्रेक लेनी है, देन 1 घंटा, देन ब्रेक लेनी है. सो दिस यूज टू बी द एंटायर स्केड्यूल ऑफ वॉचिंग द यूट्यूब वीडियोज. फिर उसके बाद मान लो क्वेश्चंस करने हैं तो क्वेश्चंस को भी ब्रेक कर दिया इनटू बैचेस कि ओके ग्रेट, 30 questions करने हैं लेकिन उनको 10-10 के सेट्स में करना है. सो 10 questions पहले करने हैं, उसमें भी टाइम लिमिट लगा दिया कि 10 questions करने हैं, 30 minutes लेने हैं या 40 minutes लेने हैं या मैक्सिमम 1 hour लेना है, उससे ज़्यादा स्पेंड नहीं करना. तो इस तरह आई यूज टू वर्क इन बैचेस कि मैंने स्लॉट्स बना रखे थे कि 1 घंटे की सिटिंग देनी है, देन उसके बाद 1 घंटे की सिटिंग देनी है. इस पॉइंट तक आई वॉज डिसिप्लिन्ड इनफ टू सिट फॉर 1 hour स्ट्रेट. मेरे को प्रॉब्लम नहीं लगता था कि 1 घंटा बैठना है. आई यूज टू फील लाइक इट्स स्टिल मैनेजेबल. अगर किसी को लगता है कि वो इतना फोकस नहीं कर पाते तो वो 1/2 hour के बैचेस भी बना सकते हैं. बट पर्सनली आई फेल्ट लाइक वर्किंग इन बैचेस वर्क्ड बेटर फॉर मी एज कम्पेयर टू सिटिंग फॉर 4 or 5 hours स्ट्रेट. वो पॉसिबल नहीं हो पाता था. इस समय मेरा ध्यान नॉवल रीडिंग या वोकैबुलरी बिल्डिंग या प्रोफाइल बिल्डिंग या कैलकुलेशन स्पीड इन पे बिल्कुल भी नहीं था. आई न्यू कि इस समय एक ही फोकस लेके चलना है कि वीकर कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन करना है, जिसकी वजह से कोई भी दिन जहाँ पे वर्क डे है, चाहे मंडे ट्यूजडे है या थर्सडे फ्राइडे है, आई नेवर केप्ट दैट डे फॉर रीडिंग एडिटोरियल्स. बहुत सारे लोग सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करेंगे. मेरा पर्सनली यही टेक था कि हर दिन का एक एजेंडा होना चाहिए और सिर्फ वही एजेंडा होना चाहिए. अगर आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करोगे, चांसेस हैं कि कुछ भी नहीं हो पाएगा. सो प्लीज़ अपनी प्रायोरिटीज सॉर्ट करके रखना.
आई नो इस पॉइंट पे बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न आएगा कि हम मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उस केस में हम उनको कैसे मैनेज करें. आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग समवन ऑन टू द चैनल जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए. आई ओनली प्रिपेयर्ड फॉर द कैट एग्जाम, सो आई मे नॉट बी द बेस्ट पर्सन टू हेल्प यू. बट यूजिंग द सेम लॉजिक इन अदर एग्जाम्स इज वेल, अगर आप अपनी प्रायोरिटीज को लिमिटेड रखोगे, इफ यू कीप द नंबर ऑफ एग्जाम्स यू आर टेकिंग टू द मिनिमल, या फिर के द नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स यू आर हैंडलिंग इन अ पर्टिकुलर डे टू द मिनिमल, आई पर्सनली थिंक यू विल डू मच बेटर. बाकी द पर्सन हु आई इनवाइट विल बी एबल टू गाइड यू बेटर, सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो एज वेल. सो होप कि आपको ये वीकली और ये डेली आइडिया लगे कि कैसे अपने रूटीन को आपने डेवलप करना है. इफ यू नीड एनी हेल्प विद मेकिंग योर रूटीन और डेली प्लान, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू विद द सेम. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस गाइज.